प्रयागराज में माघ मेले का आयोजन, उसकी तैयारियां पुरजोर तरीके से चल रही हैं और वहां पे 7 पुलिस कर्मियों को कोरोना संक्रमण भी हो गया है। सीधा चलते हैं मोहम्मद मोइन के पास, हमारे संवाददाता जो प्रयागराज से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मोइन, देखिए एबीपी न्यूज पर हम ये मुहिम चला रहे हैं कि ऐसे समय में मेला नहीं होना चाहिए, उसके बावजूद 7 पुलिस कर्मियों को संक्रमण भी हो गया है और तैयारियां अभी भी चल रही है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन कोई कदम नहीं उठाएगी? देखिए प्रयागराज के माघ मेले में 7 पुलिसकर्मी मेला शुरू होने से पहले ही संक्रमण का शिकार हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद जो सरकारी दावे किए गए थे वो सिर्फ कागजों पर नजर आ रहे हैं, फाइलों पर नजर आ रहे हैं, हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। 7 पुलिसकर्मियों के संक्रमित होने के बाद हालात क्या हैं वो हम आपको लाइव यहां दिखाने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं मेला क्षेत्र के सबसे बड़े एंट्री पॉइंट पर। आप देख सकते हैं कि यहां ना तो कोई मेडिकल टीम है, ना कोई रोक टोक करने वाला है, जो पुलिसकर्मी हैं भी वो गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं। देखिए एक पुलिसकर्मी ये गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, मास्क नहीं लगा रखा है इन्होंने। तमाम संत महात्मा खड़े हुए हैं, अंदर मेले में दाखिल हो रहे हैं, लेकिन किसी ने मास्क नहीं लगा रखा है। दाहिनी तरफ आप देखिए, ये सबसे बड़ा एंट्री पॉइंट है, यहाँ चाय की दुकानें लगी हुई हैं, छोले भटूरे बिक रहे हैं, लेकिन किसी ने मास्क नहीं लगा रखा है, ना दुकानदारों ने ना ग्राहकों ने। मेले में एंट्री पॉइंट का ये हाल है। दूसरी तस्वीरें दिखाते हैं, ये देखिए ठीक बाईं तरफ जो काम हो रहा है, ये देखिए एक पुलिसकर्मी ये खड़े हुए हैं, इन पर यहाँ पर लोगों को मास्क पहनाने की जिम्मेदारी है, लेकिन हालात क्या है देखिए, इनसे सीधे बात कर लेते हैं। भाई साहब आपको कोरोना से डर नहीं लगता क्या? लगता है। तब भी आपने मास्क नहीं लगा रखा, आपको तो दूसरों को मास्क लगवाना चाहिए। ये हालात है, और तस्वीरें आपको दिखाते, ये देखिए माघ मेले का ये काम चल रहा है, दर्जनों की संख्या में जो मजदूर हैं वो चकट प्लेटे उठा रहे हैं, किसी एक के चेहरे पर मास्क नहीं है। ये कह सकते हैं कि अभी तो तीसरी लहर की पीक भी नहीं आई है और माघ मेला एक दो दिन नहीं बल्कि पूरे 47 दिन तक चलेगा, क्या हालात होंगे इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।